अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं रुबीना अंसारी किचन में आपके लिए अंडे छोले का सालन ढाबा स्टाइल में तैयार कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने अंडे बॉईल करके साइड पर रख लिए हैं, उन्हें मैं थोड़ी देर के बाद फ्राई करूँगी। यहाँ इस कढ़ाई में मैं 2 टेबलस्पून ऑयल के डाल रही हूँ। ये ऑयल गर्म होता है तो मैं इसमें 1 मीडियम साइज़ की प्याज शामिल करूँगी, जो कि मैंने ग्राइंड करके रख ली है। इसमें हम प्याज पीस के डालते हैं क्योंकि हमें ग्रेवी गाढ़ी सी चाहिए होती है। 2 तेज़ पत्ते शामिल कर रही हूँ। अब मैं एक साइड पे 5 साबुत सुरख मिर्चें, 2 सिनेमन स्टिक, 8-10 गोल काली मिर्च साबुत, 2 पिंचेस कलौंजी के सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक और 1 टीस्पून ज़ीरे का भी शामिल कर रही हूँ। ये सब एक साथ सौते होंगे। अभी बहुत अच्छी सी सौते हो गई है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करके इसको भी थोड़ा सा सौते करूँगी। इसको मैं 20 से 25 सेकंड तक पका रही हूँ। फिर ये जो मैंने 1 मीडियम साइज़ का टमाटर ग्राइंड किया है, मैंने इसे शामिल किया। और इसके साथ ही हम मसालों पे आ जाते हैं। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून ही नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून पिसा धनिया, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च कश्मीरी, गरम मसाला 1 टीस्पून और चाट मसाला भी 1 टीस्पून। ये सारी चीज़ें डाल के मैंने अच्छी तरह फ्राई कर रही हूँ। दूसरे चूल्हे पे कढ़ाई में ऑयल गरम हो रहा है। यहाँ हम अपने बॉयल किए हुए अंडों को फ्राई करेंगे बहुत एहतियात के साथ। अंडों में पहले मैं कट लगाऊंगी। पहले मैं चेक करती हूँ कि ऑयल जो है वो गरम हो गया है। जी हाँ, ऑयल गरम हो गया है। अब मैं इन अंडों को थोड़ा सा कट लगाती हूँ। कट इसलिए लगाते हैं ताकि ये ज़्यादा ना उछलें, फिर भी बहुत एहतियात से इन्हें हमें फ्राई करना है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच जाएँ। इसे बहुत एहतियात से फ्राई करना है, ये उछलते भी हैं और छींटे आ जाती हैं। तकरीबन 30-35 सेकंड हो गए हैं क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा तेज़ था। अब मैंने इनको फ्राई करके निकाल लिया है। ये साइड पे रख रही हूँ। इसे हम कट करके भी डाल सकते हैं और साबुत भी डाल सकते हैं। यहाँ मसाला फ्राई हो रहा है, इसको मैं छः सात मिनट हो चुके हैं। ऑयल ऊपर आ गया है और खुशबू भी बहुत अच्छी सी है। अब मैं ये 1 कप पहले से बॉयल किए हुए चने, जो कि काफ़ी टेंडर हैं, इसमें शामिल कर रही हूँ। इन्हें मैंने रात में भिगोकर रख दिया था सोडा डाल के, सुबह बॉयल कर लिया था और उसमें से मैंने 1 कप ये चने ले लिए हैं। अब मैं इन्हें थोड़ा सा फ्राई करूँगी और फ्राई करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। और ये थोड़ा सा गलेंगे। इस स्टेज पे मैं इसमें थोड़ी सी कटी हुई अदरक के पीसेस और थोड़ी हरी मिर्ची डालूँगी मोटी मोटी काट के। अब मैं इसे लो फ्लेम पर दम आने के लिए रख रही हूँ। 5 मिनट हो चुके हैं और ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। थोड़ा सा हरा धनिया और लेमन जूस शामिल कर। इसको मैं हरा धनिया, कटी हुई अदरक और कुछ
साबुत मिर्चों से गार्निश कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये अंडे आलू का सालन पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफ़िज़।